देखो अपनी गाड़ी नेपाल के लिए लोडिंग लगी है पॉइंट के ऊपर, अभी लोड हो जाएगी 2-3 घंटे में। नेपाल विराट नगर बॉर्डर। ये भाई चावल साफ करने की मशीन, धान की चावल निकालने की मशीन है। साइड में धान लगे हुए चावल निकलते हैं, चावल वाले निकलते हैं, ब्लैक वाले चावल है, ये वाइट वाले चावल लगे हुए यहाँ पे गोदाम पूरा। राम राम भी सर है ना, जैसे कि कल ब्लॉग में बताया था, पिछले ब्लॉग में बताया था कि वी लोडिंग के लिए सर्च कर रहे हैं। रात को ही लोडिंग मिल गया था नेपाल के लिए, अभी भरने आए हैं यहाँ पे तिरावड़ी करनाल के पास, चावल लोड करेंगे यहाँ से, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अपनी गाड़ी लोड हो रही है, रात के 7:30 बज गए हैं, दिन में गाड़ी लोड नहीं हुई, लेबर कम थी चक्कर में, रात में भाई गाड़ी लोड नहीं हुई, तो भी थोड़ी रह रही है पीछे से, अभी देखते हैं सवेरे सवेरे तक करेंगे कि नहीं करेंगे, सब 11-12 बजे जाएंगे। ये लग रही भाई पीछे धान जी रहे गोदाम है, पीछे यहीं से इसी में से चावल निकालते हैं ये लोग, इसको करते हैं पालिश। फिर ये भाई अलग करिए अपनी गाड़ी, देखते हैं भाई कितना आगे रह गया पीछे से माल, कितना लोडिंग रह रहा है, कितना हो रहा होगा इस टाइम करेंगे। ये बड्डी वैसी का गोदाम, एक चावल का गोदाम, ये अपनी गाड़ी भाई आधी लोड होगी आधी रह गई है। यहाँ पे कर रहे हैं पैकिंग, ये तो चावल की पैकिंग हो रही है यहाँ पे, ये मशीन है भाई पैक करने की मशीन। यहाँ पे ये गोदाम है चावलों का, चावलों का गोदाम है ये, देखते हैं अभी इतना चाय नाश्ता करेंगे कुछ, बताते हैं आपको किस टाइम लोड होगी, आधी गाड़ी तो होगी आधी रहेगी।